आपने बोल के आपको पता नहीं टाइम है 5 आदमी हैप्पी बर्थडे सचिन हैप्पी बर्थडे टू यू साहब का आज हम सभी ने यहां पर 41वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है और पूरे राजस्थान के कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से आम जन की भावनाओं के विपरीत जाते हुए जो दूसरी पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज है और आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करके अपना है, इन सभी ताकतों को, इन सभी पार्टियों को पूरे राजस्थान से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये संकल्प आज हम सभी कांग्रेसियों ने लिया है और पायलट साहब का जन्मदिन बहुत सादगी से मनाया गया है क्योंकि केरल की जो त्रासदी हुई है उसको लेकर जो बीजेपी है उनकी तरफ से जो कोताही बरती जा रही है वहाँ पर सहायता पूर्ण नहीं पहुँचाई जा रही है, इसलिए आज जन्मदिन को बहुत सादगी से मनाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे महबूब नेता सचिन पायलट जी के जन्मदिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामना। आज पायलट साहब ने एक आह्वान किया था कि केरल में जो त्रासदी आई है उसको मद्देनजर रखते हुए सादगीपूर्ण तरीके के साथ कहीं उनके जन्मदिन को मनाया जाए और जो उसकी जगह केरल में सहायता के रूप के अंदर अपना योगदान दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन को मनाया और जन्मदिन को मनाने के बाद हम 2 महीने बाद में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे तो आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हमारे श्री सचिन जी पायलट जिनका जन्मदिन है वो जन्मदिन हमने मनाया और बहुत बढ़िया से पूरे कांग्रेस जनों के साथ केक काटा गया और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से और कई देवी देवताओं से कि हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी की लंबी उम्र हो और उनकी हर मनोकामना पूरी हो। दिलीप सामनानी शहर जिला कांग्रेस कमेटी DC से सदस्य। आज हमारे लोकप्रिय नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब के जन्मदिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के ऊपर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिवस मनाया गया है। आज सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर हम यहाँ प्रण लेते हैं कि आगामी समय पर जो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हर कार्यकर्ता तत्पर रहेगा और कार्यकर्ता जो है पुरजोर मेहनत कर बूथ स्तर तक अपना कार्य करते हुए और पार्टी को जीत दिलाएगा। सचिन पायलट साहब आने वाले समय में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, हमारी यही कामना है। और सचिन पायलट साहब के जन्मदिन पर सचिन पायलट साहब को भी बहुत बहुत बधाई, अजमेर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती है।